नमस्कार दोस्तों, आप 21वीं सदी में रह रहे हैं फिर भी अंधविश्वास अभी तक कम नहीं हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई लेकिन अंधविश्वास तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आप अपने बालों को ही ले लीजिए, आपकी दादी हो या माँ हो आपको रात में बाल खोलने और कंघी करने के लिए मना करती हैं। वैसे तो कहा जा सकता है ये अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है ये जानिए इस वीडियो के द्वारा। नंबर एक, कहते हैं जो लड़कियों के बाल लंबे और खूबसूरत होते हैं तो उन लड़कियों को यह बात जरूरी माननी चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के समय बुरी आत्माएं बाहर निकलती हैं। यदि जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं उनके बाल भी बहुत सुंदर होते हैं और खुले होते हैं तो वह उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। नंबर दो, यदि लड़कियों के बाल ज़्यादा खूबसूरत हैं तो वह रात को बिल्कुल भी कंघी ना करें। अगर यदि बाल टूट रहे हैं या निकल रहे हैं तो उन बालों को सही स्थान पर फेंकें, वरना कोई गलत व्यक्ति उन बालों का गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर जादू टोना भी कर सकता है। नंबर तीन, पूर्णिमा वाली रात जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन यदि लड़कियां खिड़की पर अपने बाल बनाती हैं तो बुरी आत्माओं को खुद ही न्योता देती हैं। नंबर चार, यदि लड़की मासिक धर्म से है तो वह लड़की ना तो रात को बाल धोए और ना ही उन्हें बनाए, क्योंकि ऐसा करने से बुरी आत्माएं जल्दी उस पर प्रभावित होती हैं। नंबर पाँच, जब अपने आप बाल बनाते हैं, जैसे ही आप कंघी कर रहे हैं बालों में और बालों की कंघी करने के बाद कंघी आपके हाथ से छूट जाती है तो ये मान लीजिए कि आपको कोई ना कोई बुरी खबर जरूर मिलेगी। नंबर छः, यदि आप अपने बालों में कंघी कर रहे हैं और जैसे आपने बाल धोए हैं, बाल धोने के बाद आप उन्हें झाड़ते हैं तो झाड़ने के बाद बालों को हाथ से इधर उधर ना फेंकें, ऐसा करने से आपके घर में कलह और झगड़े हो सकते हैं। तो ये वह कारण हैं जिन कारणों के कारण तो ये वह विचार हैं जिस वजह से आपको रात को कंघी नहीं करनी चाहिए। तो आपने जाना कि क्यों नहीं करनी चाहिए रात को कंघी, क्यों बड़े और आपकी माता मना करती हैं आपको रात को कंघी करने से। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।